ये पूरा यहाँ निधि वाली स्टार्ट हो रहा है। चलिए चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मम्मा कहाँ है, मम्मा लग रहा था ये यहाँ पे खो चुकी है, पर ये यहाँ पे प्रसाद लेने गई थी इसलिए यहाँ पे खो गई थी। वो जैसे मार रही थी इसे फोटो ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। जेब कटो से बच्चे यहाँ पे, इनकी अलग ही व्लॉगिंग चल रही है। ये फोटो खिंचाते हुए देख रहे, टशन देख रहे हैं आप लोग, बस फोटो सेशन हो जाए। आपको निधिवन जो है आपको फुल जालियों के अंदर से देखना पड़ेगा, ऐसे घुस घुस के। बाकी निधिवन आप अंदर से नहीं देख सकते, निधिवन अंदर से सिर्फ दो चार लोग VIP स्पेशल देख सकते हैं जैसे ये जल रहे हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूज होती हुई, ये यहाँ पे पूरा अंदर बना हुआ है जहाँ पे कृष्ण राधा गोपियाँ सब लोग अंदर रास करते हैं, और ये पूरा यहाँ पे ढक के रखा हुआ है जिससे कोई अंदर ना जा सके। और ये यहाँ पे बंदर अंदर आ जाते हैं, फ्रूटी छिना लेते हैं, फोन छिना लेते हैं, सब कर लेते हैं। काफ़ी प्यारा लग रहा है ये, और यहाँ पे रात में नहीं आ सकते आप लोग, रात में यहाँ पे अलाउड नहीं है और ना ही किसी को अंदर जाने दिया जाता है। वहाँ से फाइनली हम लोग निधिवन से निकल आए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैंने हुडी टोपा सब उठा उतार के एकदम रख दिया। और देखो मैम, देखो राधे राधे लग रहे और ये यहाँ पे फुल तैयार हो चुकी है, ठीक है। और जा रहे हैं जमुना जी, और हम लोग अब जा रहे हैं जमुना जी। ये निधिवन के पास ही जमुना जी बना हुआ है, तो कभी भी कोई भी आए तो इस बार इतना अच्छा लग रहा है कि हमें लग रहा है हम यहीं पे ही रह जाएं। तो यहीं रह जाओ ना, क्या फायदा तुम्हारा कानपुर वापस जाने का। वहाँ के लोग भी बेचारे रोते होंगे कौन चला आया, पापा हमारे आगे कहीं होंगे, उनको भी दिखाते हैं चल के आप। और यमुना जी जहाँ पे राधे कृष्ण मिलते थे वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हाँ ये ज्ञानी है ना इसलिए। ये पूरा यहाँ यमुना घाट बना हुआ है। फाइनली पापा दिख गए आपको व्लॉग में, तो कभी दिखते ही नहीं है। और ये यहाँ पे इनका फोटो शूट चल रहा है, हम और पापा इसे टहल दे रहे थे। यहाँ पर इनका ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या करा जाए, कहाँ जाया जाए, नाव में बैठा जाए कि ना बैठा जाए, क्योंकि हाँ क्योंकि मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा ही लगता है भाई, किसी किसी को होता है, पर ठीक है उसके लिए पापा को बोलना पड़ेगा जाके। और इन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं है पापा को कुछ बोलने की, मैं ही बोलती हूँ जाके हर बात। तो फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि चलो भाई बोटिंग करते हैं। तो इतनी देर बैठने के बाद भाई फैमिली एक लोगों के डिसीजन का कंसर्न नहीं चाहिए होता, सबका कंसर्न चाहिए होता है। गुस्सा आ जाता है भाई कभी कभार, क्या कर सकते हैं। ये लो